वेलकम टू ISPR। मैंने आपसे 5 बजे बात करनी थी लेकिन हम मीटिंग पे गए हुए थे, वहाँ से वापस आते हुए थोड़ी कोऑर्डिनेशन करते हुए आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माजरत। पिछले चंद दिनों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात में कशीदगी चल रही है, और ये कशीदगी जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी को पुलवामा में जो वाकया हुआ उससे शुरू हुई। उसके बाद की सारी बातचीत पहले प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ की, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने की, फिर मैंने भी आपके साथ बहुत तफसील से बातचीत की। पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने कौम के साथ एक रिजॉल्व शो किया, कौम को प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद में लिया, और उसके बाद हमारे लेवल पे मैंने आपसे बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे चलना है। वो एक उर्दू का मुहावरा है कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया भारत है वो दुश्मनी में भी बेवकूफी और झूठ का सहारा लेता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद जब मैंने आपसे बातचीत की तो मैंने भी 3 चीजें कही, मैं उन 3 चीजों पे आऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि आज सुबह हुआ क्या और उसके बाद कैसे हालात चले, किस तरीके से भारत अपने मीडिया पे इसको क्लेम कर रहा है, तो वो तफसील आपसे शेयर करने के बाद मैं आपसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था और जो मैंने कहा था उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है और कैसे करेंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लीज दिखाइए पहली स्लाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है भारत के क्लेम, 4 पिक्चर्स उनके मीडिया की मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है वो कह रही है टाइमलाइन ऑफ स्ट्राइक 21 मिनट्स 350 टेररिस्ट एलिमिनेटेड, यानी 21 मिनट वो आजाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 350 दहशत गर्दों को हमने मार दिया है। नेक्स्ट टॉप राइट पे आप अगर देखें तो वहां लिखा है फर्स्ट स्ट्राइक बालाकोट 3:45 to 3:53 AM। बॉटम लेफ्ट पे आए तो लिखते हैं सेकंड स्ट्राइक मुजफ्फराबाद 3:48 to 3:55 AM। बॉटम राइट पे जाएं तो थर्ड स्ट्राइक चकोठी एट 3:58 to 4:04 AM। ये हैं उनके क्लेम मीडिया के ऊपर। अल्लाह ताला की जात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में, रात को जिस दिन से ये कशीदगी शुरू हुई तो वॉर मेथडोलॉजी के हिसाब से, जंग की तैयारी के हिसाब से जो हमारी एयरफोर्स थी, पूरी की पूरी एयरफोर्स हर वक्त हवा में नहीं रह सकती। तो जो मेथोडोलॉजी होती है, जो जंग की तैयारी होती है, जो सेफ गार्ड होते हैं, उसके मुताबिक जमीनी फोर्स जो होती है वो अपने सेफ गार्ड लेती है, एयरफोर्स और नेवी अपने सेफ गार्ड लेती है। तो जमीन के ऊपर तो हमारे तमाम सेफ गार्ड इन प्लेस हैं, इन प्लेस थे, इन प्लेस हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट के ऊपर तो वी आर आईबॉल्स टू आईबॉल्स। तो ग्राउंड इनकर्शन के ऊपर जब भी वो आते तो उनको वही जवाब मिलता जो कि हमने प्लान किया हुआ था। 14 फरवरी के बाद जब ये टेंशन बढ़ती गई तो दोनों साइड्स पे जो एयर फोर्सेस हैं वो अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं, जिसको हम कैप मिशन कहते हैं। वो रोटेशन में इन एयर रहती हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले मेरी प्रेस ब्रीफिंग से पहले
जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज थे, आपको उनकी आवाजें भी आती होंगी, लोकल्स ने भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट है और वो पेट्रोलिंग कर रही है। और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जो है, हर वक्त एक कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का मिशन या दो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के मिशन, ये इन एयर रहते हैं और रोटेशन में ये चेंज करते रहते हैं। ऐसा ही रात को था, रेडार्स भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स उनकी जो है अगर आ रही है बॉर्डर पार करके या LOC पार करके, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। पिछला जो 14 फरवरी के बाद से लेके कल रात तक, दोनों तरफ से जो कैप मिशन थे वो फ्लाई करते थे, वो बॉर्डर के नज़दीक भी जाते थे अपने इलाके के अंदर, और जो जो के एक प्रिकॉशनरी स्क्रैम्बलिंग होती है वो रहती है। उनकी तरफ से पहले भी बॉर्डर से नज़दीक आए, लेकिन वो इतने नज़दीक नहीं आते थे जहाँ से हमें ये हो के अंदर दाखिल होंगे। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई, दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक्त जो एक कैप टीम थी, वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम, दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैप एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। SOP के मुताबिक जब पहली कैप टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई, तो सेकंड कैप टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। वाइल दे वर फेसिंग द थ्रेट इन लाहौर सियालकोट सेक्टर, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था, जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैप टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको चैलेंज किया, तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी पोजीशन पे जो कि मिलिट्री पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी एंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट, क्योंकि अगर ये किसी हमारे मोर्चे पे अटैक करते तो फौजी तो तैयार हैं, एयरफोर्स भी तैयार है, कैजुअलिटीज भी यूनिफॉर्म पर्सनल की होती, लेकिन इंडिया का तो ये मकसद ही नहीं है। इंडिया का मकसद तो ये है, मोदी गवर्नमेंट का, कि वो आज़ाद कश्मीर में, वो तो सीज फायर वायोलेशन भी करते हैं तो सिविलियन पॉपुलेशन पे डेलिबरेट टारगेट करते हैं। अगर उनकी स्ट्राइक से कोई हमारी आर्मी की पोस्ट पे स्ट्राइक होती तो यूनिफॉर्म सोल्जर्स की शहादत होती और उनका मकसद पूरा ना होता। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहां पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो, और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेकआउट किया, और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था वो उनके लिए फायदेमंद होता। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, नेक्स्ट स्लाइड दिखाई, अगर आप ये देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको येलो और ब्लैक में नजर आ रही है, रेड में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा हुआ है। यहां से जो तंगधार सेलियंट आपको नजर आ रहा है, यहां से उनकी इंट्रूजन हुई, 4-5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई,
जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर चार उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने, तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेंड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे गिरा। अब आपने उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड, और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाई एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा। बाय द टाइम मैं आपको बाई रोड लेके जाऊं तो वहां पर अंधेरा हो चुका होगा। लेकिन जो लोकल मीडिया है, कुछ चैनल्स वहां पहुंच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहां पर उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पर टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। दिस स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, दे कैन कम थ्रू द ऑथराइज एंट्री इन पाकिस्तान। सी इट फॉर योर सेल्फ, गो बैक एंड टेल योर प्राइम मिनिस्टर वेर इज दैट इम्पैक्ट। झूठ के तो कोई पाव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई उसकी रिटेलिएशन तीन पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाय करे। हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने तीन चीजें कही थी, यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस, वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड, वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर, वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. We are a democracy. I said that two democracies, they do not fight. You have proved that you are not a democracy. You have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region. We have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you. Kal parliament ka joint session bhi hai, uske baad prime minister ne national command authority ki meeting bhi bulai hai, and I hope you understand what is national command authority, what does it constitute. We are a democracy. We have political consensus. पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आई ऑथराइज यू टू टेक देम ऑन। जिस प्लेन पे वो आए उस प्लेन पे उनको रिस्पॉन्स दिया गया, उनको डिनाई किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा
आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज के आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. Thank you very much, ladies and gentlemen. If you have any question. Sir, my question is, Indians are, you know, behaving like drunk monkeys and they're jumping all over the media. And isn't it time that even if they have dropped 4 bombs at some faraway hill and hit some trees, isn't it high time, sir, that we shut these monkeys up by doing the same thing to them, by perhaps even dropping 4 bombs across the LOC in some hill over there? Because the people of Pakistan, you may have gone through the social media, Indians are raising hue and cry about that they have taken so-called revenge. Isn't it high time that we do the same? Okay. Not my words, taking your words, will shut these monkeys, but not the way they are trying to do repeatedly, not through lies. We will do it, and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know. Why? आप मुझे ये बताइए, अभी से लेके भी जो मैंने ऑफर की है, अभी भी कुछ मीडिया गया है, कल जब ऑन ग्राउंड जाएं और खुद देखें कि किधर हैं वो 350 टेररिस्ट किल्ड, किधर है वो बिल्डिंग जो ने डिमोलिश की है। इवन आप गूगल पे जाके देखें तो गूगल पे जो आपको इमेज मिलेगा वो आज से चंद दिन पहले का मिलेगा। पाकिस्तान में आप देखें कि क्या वहां पे कोई बिल्डिंग थी जहां आप वो क्रेटर्स देखेंगे। झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे। पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे ताकि दुनिया को ये पता लगे कि इंडिया चाहता क्या है। हम इंडिया को वो झूठ के जरिए नहीं करने देंगे। जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहां गई, दूसरी कहां गई। अब आप उसका जहाज, अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हो तो 100% एयरफोर्स आपकी इन एयर होती है। अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है, तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था, वो एलओसी क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। जब उनका डिजाइन ही ये था कि हमने सिर्फ एक ड्राई रन लेना है और हमने एक ऐसी जगह हिट करना है, लेट से वो किसी भी, पाकिस्तान में हजारों मदरसे, दे जस्ट हैड टू पिक वन मदरसा फायर, उसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते, तालिबे इल्म होते, उनकी कैजुअलिटीज होती, तो उनके लिए झूठ को सच करना ऑन ग्राउंड आसान होता। जी हमने तो, आप देखें अब जो शहीद हुए बच्चे हैं या उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो उठ के तो नहीं बताएंगे जी हम तो बड़े पीसफुल शहरी थे, वो तो टेररिस्ट क्लेम करते। तो एक जब ऑल आउट वार शुरू हो जाती है, पहली जो स्ट्राइक होती है वो उसका रिस्पांस आपका इमीडिएट जाता है। उसके बाद अगर डॉग फाइट होती है, या तो हम भी क्रॉस करें, लेकिन मैंने कहा था ना कि वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड विल सरप्राइज यू, एंड आई एम टेलिंग यू प्लीज वेट। जी वन बाय वन रिस्पॉन्स, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, जब भी कोई मुल्क रिस्पॉन्स देता है तो वो तमाम डोमेन्स में होता है। द डिप्लोमेटिक एफर्ट टेक्स प्लेस इन डिप्लोमेटिक डोमेन, जो दूसरी आपकी पॉलिटिकल डोमेन है वो लैदा होती है, मिलिट्री डोमेन लैदा होती है, बट रिस्पॉन्स विल बी इन ऑल डोमेन्स इंशाल्लाह। जी क्या किसी मुल्क ने उनकी ये जो उन्होंने क्लेम किया है 350, किसी मुल्क ने ऐसा कुछ दिखाया या
उनके क्लेम को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की? क्या इंडिया ने खुद दिखाया? जो वो थोड़ा सा क्लिप दिखा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, आप खुद देख लीजिए कि वो तो 2-3 साल पहले से यूट्यूब पे मौजूद है। और अगर रात का भी हो तो आप अपने जहाज को टेक ऑफ करते हुए अंधेरे में दिखा रहे हैं, तो वो तो किसी